हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लम बॉब के बारे में। अब देखो, ये हमारे पास प्लम बॉब है। अब इससे हम वर्टिकलिटी ऑफ द बार्स चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बार है। अब ये कॉलम हमारे पास, इसकी बार बिल्कुल वर्टिकल है या नहीं है। अभी हमारे पास शटरिंग का जो लग रहा है, जो हमारे पास डिफरेंट सेक्शन लग रहे हैं, अब यहाँ पे जो हमारे पास शेयर रीइंफोर्समेंट लग रही है, जो जिस चीज़ की हमने वर्टिकलिटी मैन्युअली चेक करनी होती है, एक तो आप हो गया कि आप थर्ड लाइट यूज़ कर लिया, आपने टोटल स्टेशन जो भी डिफरेंट यूज़ कर लिया, एक आप जो वर्टिकलिटी जो आप जो यूज़ करते हो मैनुअली, वो आप विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब करते हो, ठीक है। प्लम बॉब का ये सेक्शन आपके पास डाउनवर्ड जाता है और ये सेक्शन आप उसके साथ लगाते हो, ठीक है। अगर आप बार चेक कर रहे हो, आप इस तरह उसके साथ टचअप करते हो, इसको छोड़ते हो, और अगर ये बिल्कुल बिल्कुल बराबर सीधा जा रहा है नीचे, तो आपको उसकी वर्टिकलिटी का पता चलता है, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे इसके साथ लगाया आपने, अगर ये बिल्कुल इसके साथ टच कर रहा है और नीचे जा रहा है इस तरह, तो आपको इसकी वर्टिकलिटी का पता चलता है कि बिल्कुल सीधा है या नहीं है, ठीक है। सो इसको बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये मैन्युअली चेक करते हैं, इसको हम प्लम बॉब कहते हैं, और इससे वर्टिकलिटी ऑफ द बार्स को चेक किया जाता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर मैं आपको, एक हाथ से बड़ा डिफ़िकल्ट होगा चेक करवाना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चेक कराता हूँ। अब देखो, ये आपके पास प्लम बॉब है, आपने इस तरह इसको सरिये के साथ लगाया, आपने इसको हल्का हल्का इस तरह छोड़ा, ठीक है। फिर आपने इसको जहाँ पे स्टिरप्स के साथ, इसके साथ टाइज के साथ जो है बांध देना है, ठीक है। इस तरह टाइज के साथ इसका अनहील्ड कर देना है, ठीक है। इसको बेंडिंग वायर से जो है इस तरह बांध देना है, ठीक है। सो आपने इस तरह वर्टिकलिटी ऑफ दी बार इस तरह चेक की, इस तरह छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ से आपने इस तरह फ्री करते जाना है, ठीक है। अब ये मैं एक हाथ से कैमरा होल्ड किया हुआ है, एक हाथ से मैं आपको प्लम बॉब का दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस सिमिलरली ऐसे ही होता है, ठीक है। आपने ऐसे रखना है और इस तरह इसको हल्का हल्का छोड़ते जाना है। अगर इसके आपके बिल्कुल इसके साथ साथ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टच होती भी जा रही हो, इसका मतलब ये बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है। अगर ये आपके साथ यूँ टेढ़ी हो गई, इस तरह बाहर निकल आई, इसके साथ साथ नीचे नहीं जा रही हो, इसका मतलब ये आपके पास बार बिल्कुल सीधी नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हम चेक करते हैं बार्स का कि वो हमारे पास वर्टिकल हैं, बिल्कुल सही हैं या नहीं, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।